देश में जहां कोरोना से लोग बेहाल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा से कुछ दिल को सुकून पहुंचा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोरोना के कुल 32 पॉजिटिव संक्रमित मरीजों में से 8 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। अब आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 24 पॉजिटिव मरीज ही भर्ती हैं और ठीक हो चुके मरीजों की पूरी तरह से जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि इन स्वस्थ हो चुके मरीजों में से 2 डॉक्टर और 1 महिला भी शामिल है और अब इन्हें अस्पताल के बाहर लाया जा रहा था तो इन सब पर लोगों ने फूल बरसाए क्योंकि इन्होंने डॉक्टर की दी हिदायतों का पालन किया, जिससे कि ये सब अब जिंदगी की इस जंग को जीत गए। कोरोना वायरस को लेकर जो लोगों में डर है, बेसिकली इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है, इसमें इतना भयभीत हो रहे हैं लोग जो घर बैठे बैठे हैं, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पर मैं यहाँ पे प्रशासन की वाहवाही करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। हमारे डीन सर, डॉक्टर पवार सर, डॉक्टर सुनील और जितने भी मैनेजमेंट के हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर जुगतावर सर हैं, राठौर सर और काफ़ी लोग जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट करा है और हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग यहाँ पेशेंट बन के आए। हमें ऐसा बिल्कुल फैमिली जैसा रखा हुआ है, खाने से लेके हमारी केयर से लेके हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के। जब ये भर्ती हुए थे उन लोगों को अपने सब गाइडलाइन के अनुसार, शासन के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, क्योंकि ये लोग जो भर्ती थे ये लोग सभी एक तरह से स्वस्थ और सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक थे। इनको इसी प्रकार किसी भारी तकलीफ नहीं थी, कोई एक्सरे में खराबी नहीं थी, ईसीजी में खराबी नहीं थी, किंतु किसी कांटेक्ट में आने से और किसी के संपर्क में आने से इनको कोरोना का वायरस लग गया, उस कारण से इनको भर्ती किया गया था। इसमें किसी प्रकार कोई गंभीर मरीज नहीं था जिसको हमको किसी गंभीर स्थिति में ले जाकर वो गंभीर सुविधाएं उपलब्ध कराना। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।